पर हांडिया प्रयागराज से, जहां हांडिया विधानसभा क्षेत्र के हसन पुरौनी गांव में गड्ढा मुक्त सड़क का सरकार का दावा खोखला साबित हो रहा है। लगभग 3 दशक पहले पूर्व विधायक विकास पुरुष श्याम सूरत उपाध्याय द्वारा बनवाई गई सड़क आज तक दोबारा नहीं बन सकी है, जो अपने हाल पर आंसू बहा रही है, जिस पर चलना दुभर हो गया है। यह सड़क स्कूली बच्चों के अलावा राहगीरों के लिए नारकी बन गई है, जबकि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते यह सड़क अपने हाल पर आंसू बहा रही है। इस सड़क पर आने जाने वाले लोग सड़क की बदहाली का ठीकरा क्षेत्रीय विधायक हाकिम लाल बिंद पर मरते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक और भदोही सांसद चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कभी आते नहीं है, जिससे यह सड़क बन नहीं सकी। यासीनपुर गांव स्थित इंटर कॉलेज के प्रबंधक शोएब आलम बताते हैं कि लगभग 3 दशक से यह सड़क अपने हाल पर आंसू बहा रही है। वहीं हसनपुर गांव के पूर्व प्रधान दिनेश प्रताप सिंह ने जनप्रतिनिधियों को सड़क न बनने में दोषी बताया है। क्या नाम है चाचा? अमरनाथ कुशवाहा। कौन से गांव, कहां पे हैं आप? हम रावली गांव पे हैं। सड़क बहुत बदहाल है, क्या आप कहेंगे? सड़क साहब, ये उपाध्याय थे, श्याम सूरत उपाध्याय, उनके जमाने उनसे कह सुन के ये बनवाया गया था, और जब से आज वो बेचारे पहले खंजा किए, पुलिया बनाए, उसके बाद डाम करा दिए। आज 30-35 साल हो गया, इसमें सपा सरकार आई, भाजपा आई, कोई भी इसको ध्यान नहीं दे रहा है। क्षेत्रीय विधायक और सांसद क्या कोई भी नहीं ध्यान दे रहे हैं? सबसे कहा गया, कोई नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते। बहुत खराब सड़क, बहुत जर्जर रोड है। आप चलिए, और आगे चलिए, हम आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आप? सड़क बहुत खराब है आपके। हाँ सर, किसको दोष दे रहे हैं? शायद बड़े बड़े सपा नेता लोग, भाजपा नेता लोग, सांसद लोग सब यहाँ से जीत जीत गए, कोई ध्यान नहीं दिए। 30-35 साल से सड़क एकदम खराब हो गया सर, दोबारा नहीं बनी है। दोबारा यहाँ इंटर कॉलेज से रावली पुलिया तक 1 किलोमीटर बहुत बड़ा सड़क। यहाँ से साहब बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, आदमी रोज गिरते हैं। संसद के बारे में क्या कहेंगे सर? संसद माने यहाँ से जीत के जाते हैं, लौटते नहीं, कभी दर्शन नहीं दिखाते। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान हसनपुर, जो कि रोनी जो है हमारे ही गांव सभा के मेरे माती है। ये रोड की जो दशा आप देख रहे हैं, आज 35 साल से श्याम सूरत उपाध्याय हमारे यहाँ विधायक थे, उन्हीं के कार्यकाल में बनाया गया था, और तब से आज तक गोरखनाथ पाड़ी सांसद हुए, वीरेंद्र मस्त हुए, आज हमारे लक्ष्मण बिंद जी हुए, जीत जाते लेकिन यहाँ आज दर्शन नहीं देते, और उन्हीं लोगों की कारण है कि ये आज रोड की दशा दुर्दशा है। बहुत खराब रोड है, बहुत खराब। किसको दोष मानते हैं आप? सांसद विधायक दोष मानते हैं हम लोग, क्योंकि उन्हीं क्षेत्र में उन्हीं का कार्यकाल चल रहा है, और उन्हीं की देखरेख में होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? यदुनाथ। किस गांव के रहने वाले हैं? रौनी के हैं। सड़क के बारे में क्या कहेंगे आप? सड़क इतना जर्जर है, चलना मुश्किल हो गया है। किसको दोष दे रहे हैं? काफी दिनों से कई दिनों से दोष किसी को नहीं देगा, हम अपने विधायक को देंगे, जो जीत जाते हैं यहाँ दिखाते नहीं मुँह। कौन है विधायक? विधायक है हाकिम लाल, दो पंचवर्षीय हो गया, लेकिन कभी यहाँ आए नहीं, आते हैं मचुरा चले जाते हैं। और क्षेत्रीय सांसद? क्षेत्रीय सांसद रमेश सिंह है, वो भी वो है, उनका सकल हम लोग देखा ही नहीं, अतल आता है नहीं, अतल कभी आए ही नहीं एरिया में। क्या नाम है आपका? हेलो, सड़क के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, यहाँ पर स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे बारिश हो जाता है तो बच्चे छटक छटक के गिर जाते हैं, इतने गड्ढे हो गए हैं। परिचय? मेरा नाम शोएब आलम, प्रबंधक मोहम्मद हारून मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज यासीनपुर। और मैं आपको बता दूं कि हमारे विद्यालय से जस्ट ये सामने से लेकर देखिए आरा तक ये रोड जा रही है, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक है। इस सड़क की ये स्थिति है, जो कि 3 दशक से चल रही है। माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी इस सड़क को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बनवाए थे, और उनके बनवाने के बाद आज तक कोई ऐसा सांसद, विधायक और ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो इस बदहाल सड़क को दोबारा में मरम्मत करा सके। हमारे विद्यालय में आने वाले बच्चे हों चाहे आम जनता हो, आए दिन कहीं न कहीं उनको गिरने की, कभी चोट लगने की कोई न कोई बातें सुनाई देती हैं, लेकिन हम भी बेबस हैं कि हम किसको पकड़ें, किससे कहें, कोई ऐसा नेता नहीं है सुनने वाला।
कि यहाँ पे इस बदहाल सड़क को क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते हुए, विद्यालय के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, आवागमन यात्रियों के बारे में ध्यान रखकर कुछ भी काम कराए, बहुत अफसोस की बात है। मेरा आपसे आग्रह है कि ये मैसेज को ऐसे जगह पहुंचाइए कि कम से कम इस सड़क को जितना जल्द से जल्दी हो सके कम्प्लीट।